अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पिक्कल व्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के। तो आज मैं नई वीडियो के साथ वापस आ चुका हूँ आपके सामने। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज। तो बहुत ही टेस्टी होने वाली गाइस, प्लीज़ कुछ स्किप मत करना, बहुत ही परफेक्टली कुकड है, बहुत अच्छी बनी है सब्जी। तो चलिए आप देखें कैसे बनी है, उसके बाद हम वापस टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसी बनी है आप लोगों को। बहुत ही यम्मी है यार। तो शुरू करते हैं वीडियो। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, और इसको इसमें हम डाल के अपनी सब्जियां फ्राई करनी है। तो इसको अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। देख सकते हैं तेल हमारा हो चुका है गर्म, और अब इसमें डालेंगे हम जीरा, और उसके बाद डालेंगे इसमें अजवाइन और मेथी दाना, और अब साथ में जाएंगे इसमें कटे हुए प्याज और कटी हुई हरी मिर्ची बारीक। तेल में डालने का रीज़न आपको मैंने पहले कई बार बताया, लेकिन आज फिर बताता हूँ। इससे क्या होगा, इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अब प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक हम अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी इस वेजीज जो हमने मिक्स कर रखी हैं अभी एक साथ। मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या डालेंगे हम। आलू है इसके अंदर, बॉइल्ड कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, पनीर, और हम डालेंगे इसमें मटर, इसके अंदर सोयाबीन भी है, सोयाबीन मतलब सोयाबीन बड़ी होती है ना, न्यूट्रेला बड़ी, वो भी है इसके अंदर। और आप चाहें तो इसके अंदर एक कैरेट और ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैरेट ना थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। कई बार क्या होता है, ऑफ सीजन में कैरेट हमें मीठी मिलती है हमें, तो फिर वो पूरी सब्जी का टेस्ट बिगाड़ देगी, सब्जी को मीठी मीठी कर देगी। तो इसमें मटर, आलू, शिमला मिर्ची, सोया पड़ी, पनीर, और इनको पहले हम फ्राई करेंगे, बाद में डालेंगे सुंदर मसाले। पहले इनको अच्छे से चलाएँगे, थोड़ी सी आप सीम रखेंगे हम फिर इनको लो पर रखेंगे, उससे ऐसा होगा कि जलेंगे नहीं लेकिन ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और आलू जो है वो कुक हो जाएंगे परफेक्टली। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो रहे हैं, गोल्डन फ्राई होने लग गए हैं। तो क्या करेंगे, हम साथ में डालेंगे इसके अंदर मसाले, और जो हमने अपनी बनाई थी प्योरी बना रखी है, मैं वो दिखाऊंगा आपको। मैं ये प्योरी के अंदर है टमाटर, अदरक और लहसुन, तो इसके हम डालेंगे 2 चम्मच। बहुत ही टेस्टी, एक अलग सा फ्लेवर देगा लहसुन और अदरक। और अब गैस की फ्लेम को कर लेंगे हम लो, क्योंकि अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। अब डालेंगे पहले, सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर नमक 1/2 चम्मच, फिर डालेंगे हम हल्दी, अब डालेंगे हम इसके अंदर सब्जी मसाला, और इसको अच्छे से चलाएंगे। और अब मसाला ना जले इससे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी क्या करेगा, इसको एक ना जो मसाले को अच्छे से इनके अंदर अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा। जो मसाले हैं वो अच्छे से सब्जियों के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे पानी के कारण। इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर, ये एक सब्जी को बहुत ही अलग सा कलर देगा, रेड रेड सा, और तीखापन देगा थोड़ा सा। तो ये हमने बाद में ऐड किया, और अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। हमारी सब्जी हाफ डन हो चुकी है, अब इसको हम ढक के पकाएंगे किसी बड़ी प्लेट से या बड़े बर्तन से। उसके कारण क्या होगा, जो अंदर सारी भाप बनेगी और वो आलू और गोभी और जितनी भी सब्जियाँ उनको ना सॉफ्ट कर देगी। तो अब हम वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम फिर मिलते हैं। ये देखिए, ये हो चुकी है परफेक्टली कुक हमारी सब्जी, ना नीचे लगी है और एकदम परफेक्टली। आलू को दिखाते हैं, हम आलू को मैश करके थोड़ा सा, ये देखिए आलू बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो क्या खुशबू आ रही है पूरी किचन में यार, मज़ा आ गया अपना वही टच और अगेनो। और अब करेंगे अच्छे से मिक्स, क्या खुशबू आ रही है यार, मज़ा आ गया। अब गैस को हमने कर दिया बंद, ओरिगैनो हमने डाल दिया था, तो अब हम इसको अच्छे से ढक देंगे ताकि जो ओरिगैनो इसका अपना फ्लेवर छोड़ सके इसके अंदर, और 5 मिनट बाद हम इसे खाएंगे। इसे गर्मा गर्म सर्व अपनी कटोरी में, क्या खुशबू आ रही है और क्या लग रही है सब्जी, क्या लग रही है सब्जी यार, कितनी मतलब कलरफुल लग रही है ना। पनीर, शिमला मिर्ची, मतलब बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का, परफेक्टली कुक हुई है सब्जी। ये देखिए आलू मैंने बड़ा हल्का सा टच किया था इसके अंदर, सोयाबीन भी, और बहुत ही हेल्दी है ये। मिक्स वेज हमारी बनके हो चुकी है तैयार, मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी बनी है ये। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं पहले इसमें से पनीर उठाता हूँ, अपना ऑल टाइम फेवरेट। क्या कुक हुई है यार, पूरा पनीर बिल्कुल जूसी है,
जो मैंने पानी डाला था ना उसके कारण जूसी है, और जो लास्ट में ओरिगैनो डाला है ना, क्या फ्लेवर दिया है इसको, पूरा फ्लेवर अब्जॉर्व हो गया था क्योंकि हमने ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए। और इसे ना बेस्ट है गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनी है। आलू मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्या होता है आलू कई बार कच्चे रह जाते हैं, लेकिन हमने जो फ्लेम लो फ्लेम पे रखा था ना, तो उसके कारण आलू बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये ना बहुत ही हेल्दी सब्जी है, इसमें हमारा सोयाबीन भी है, पनीर भी है, आलू भी है, हरी मिर्ची है, प्याज है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, मतलब हर कुछ है। आप इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ अगर ऐड करना चाहो अपनी तरफ से, इसमें ब्रोकली ऐड कर सकते हो या फिर कैरेट ऐड कर सकते हो, लेकिन कैरेट क्या करेगी ना, इसको ना एक मीठा सा टेस्ट दे देगी, तो मेरे को मीठा थोड़ा कम पसंद है, सो हम मीठा अवॉइड करने के लिए मैंने कैरेट इसमें नहीं डाली है। मटर है, क्या मटर भी बिल्कुल परफेक्टली कुक हो रखी है। और आप इसमें घिया मतलब लौकी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी छोड़ देगी, तो ये ना एक्चुअली सूखी होती है, मिक्स वेज हमेशा सूखी सूखी रहती है, तो इसलिए हम इसमें अवॉइड करते हैं गाजर, क्योंकि मीठी सब्जियाँ ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, कम अच्छी लगती है, आधी सब्जी अच्छी लगती है, जैसे आम की वो हल्की सी मीठी रहे तो अच्छी लगती है क्योंकि वो खट्टी मीठी कॉम्बिनेशन होता है। और घी अगर इसमें डाल देंगे लौकी तो वो पानी छोड़ देगी, तो मोस्टली यही सब्जियाँ हैं। एक इसमें ब्रोकली ऐड हो सकती है बस एक्स्ट्रा, अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। सो यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, बाय, टेक केयर, साइन ऑफ, जय हिंद। मैं आनंद उठाता हूँ अपनी मिक्स वेज का।